अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ फैसल। तहां दी सोफिया कुकिंग शो में सब खैरियत हों, मज़ेदार रेसिपीज तेल खी इंदा आयो। काफ़ी सारी तुम्हारी फरमाइशों भी पूरी क्यों हैं। मज़ेदार जो खादा असाई वो ठादा चिकन पाउडर जैसे अस यूज़ कर मसाको जो चिकन पाउडर ये साशे में मिल ये अस यूज़ कर अना जबरदस्त टेस्ट अची वो मसाको चिकन पाउडर जो तरह अस ब चिकन क्यूब इस्तेमाल कर क्वान्टिटी में मसाको चिकन पाउडर मिल ठीक है। ये पाउडर तक ईजीली हर जगह आराम से मिली तो वे काफ़ी सारे स्टोर में आई मथा लिखल है मसाको चिकन पाउडर। कें भी किस्म की भाजी में वेझो, कें भी किस्म की दालों में वेझो, कें भी किस्म जहाँ चावर ठाओ पे मैक्रोनी ठाओ पे चाइनीज़ ठाओ पे हर शे में तुम विझी सोता जडे ही इस्तेमाल कौ तो लूण जो इस्तेमाल न कौ ठीक है। इनका छा थो खाधा ढा जबरदस्त ठंडा क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई तमाम बेहतरीन है जो तुम्हें भी सिखारियन काफ़ी सारी शूँ। क्रिस्पी फ्राई है मिक्सचर है इन जहाँ ब हिस्सा कबाइन पुठिया सजो तरीकेकार लिखल है। अध किलो चिकन जब रोस्ट ठाई सोता जिंगर ठाई सोता बर्गर्स जहाँ कबाब की कोटिंग कर सोता चिप्स जो अस आलू जहाँ चिप्स फ्राइज ठाईंदा उनकी भी कोटिंग कर सोता क्रिस्पी थी पकौड़न में इस्तेमाल थो। काफ़ी सारी शयन में क्रिस्पी फ्राई तुम इस्तेमाल कर सोता ये भी मार्केट में अवेलेबल है। अज असाईंदी बिज़म मुत्तफ़िक। बिज़म मुत्तफ़िक ही कस्टर्ड है तुर्की की ब्रांड है आई सजे पाकिस्तान में अवेलेबल है तमाम मार्केट्स में मिले पे। टे फ्लेवर में दस्तियाब है चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी। इनके ठाने जो तरीकेकार तुम सामू अज ठाईदम और ऐसी वो तमाम बेहतरीन है टे फ्लेवर में आए ठीक है। एनएक्स असा सा गड एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव वगैरह सब इस्तेमाल कर अज मज़ेदार रेसिपी ठाई पे। दम आलू, दम आलू पटाटन की भाजी है डिफरेंट तरीके से सजा मसाला वो इस्तेमाल कंदासी जो तक परेशानी थी अस घर में मौजूद हूँ ठीक है। गडी बिज़म मुत्तफ़िक जो कस्टर्ड ठाईंदी जैसे अस पापा हूँ चाय में बोड़े खाबा उन पापन से गड जेली से गड जबरदस्त थोड़ा वेरिएशन करे कस्टर्ड ठाईंदी। सुभाने नवे बजे रिपीट हलो स्क्रीन से नंबर लिखो का भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछने हो कॉल कर पुछी सोता। पोलियो ज कतरा बार बाकायदगी से प्यारियों पोलियो इलाही घो फैलियल है खासकर पाकिस्तान के काफ़ी इलाक में फैलियल है तो इन ला 24 तारीख का 28 अज 28 है मुझे 28 तारीख तक 24 अक्टूबर का 28 अक्टूबर तक इनकी मुहिम हल पी ते घर अचन पे या तेजे एरिया में अचन पे या स्टॉल्स कैंप्स लगल तो बाकायदगी से वही पोलियो जो कतरा या वैक्सीनेशन जहाँ है वो कराओ। जमण का वी एक साल 5 साल के बार पोलियो जो कतरा जरूर प्यारो तारों मुस्तबिल अज कद फैसलो तो सजी उम्र तबार खुश रहा सेहतमंद रहा ठीक है। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं दम आलू। दम आलू बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है इसको उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे जो हमारे घर में मौजूद होता है लेकिन तरीकेकार डिफरेंट होते हैं। वैसे भी हम जब खाने बनाते हैं 5 से 6 मसाले जो हमारे घर में बॉक्सेस में डब्बियों में पड़े होते हैं बर्नियों में तो उन्हीं को वेरिएशन करके हम डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स सालन और ये चीज़ें बना रहे होते हैं तो उसी तरह वेरिएशन करते रहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं दम आलू साथ ही बनाएंगे कस्टर्ड जो हम बनाएंगे बिज़म मुत्तफ़िक का और ये है मसाको चिकन पाउडर। मसाको चिकन पाउडर मार्केट में अवेलेबल है आप ले सकती हैं। 2 चिकन क्यूब जहाँ हम यूज़ करते हैं वहाँ 1 चिकन का पाउडर ये मसाको चिकन पाउडर आप यूज़ करेंगी। जब आप ये यूज़ करेंगी तो आप नमक नहीं ऐड करेंगी क्योंकि इसमें नमक मौजूद होता है ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। किसी किस्म की भी दालें बना रही हर तरह की दाल में आप डाल सकती हैं, हर तरह की वेजिटेबल्स में यूज़ करें, हर तरह के सालन जो भी बना रही हैं राइस बना रही वाइट राइस बना रही मटर राइस बना रही हैं पुलाव बना रही हैं बिरयानी बना रही हैं उसमें भी इस्तेमाल करेंगे ठीक है। प्रोसेस सारा इसके पीछे लिखा होता है इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं और ये बहुत ही सस्ता मिलता है। जहाँ हम चिकन क्यूब लेते हैं 70 से 80 रुपीज़ के पड़ते हैं 2 तो ये आपको 30 रुपीज़ का एक साशे पड़ता है ठीक है। क्रिस्पी फ्राई बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये क्रिस्पी फ्राई मिक्स है मिक्सचर है 2 पोर्शन में इसको बनाते हैं। ये 1/2 kg तक की जिंगर है रोस्ट है या फिश फ्ले बना रही हैं फिश एंड चिप बना रही हैं फ्राइज़ बना रहे हैं पकोड़े बना रहे हैं कबाब की कोटिंग करनी है सारा प्रोसेस इसके पीछे लिखा है। ये आप लें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। बिज़म मुत्तफ़िक बेहतरीन कस्टर्ड है चॉकलेट फ्लेवर इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कराई है क्योंकि ये किसी भी ब्रांड में चॉकलेट फ्लेवर नहीं आता ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है चॉकलेट फ्लेवर में बहुत ही ज़बरदस्त बनता है बच्चे चॉकलेट शौक से खाते हैं तो आप ये कस्टर्ड बना के दें। 3 फ्लेवर हैं स्ट्रॉबेरी वनीला एंड कस्टर्ड ठीक है। मार्केट में अवेलेबल है तरीक़ेकार सारा पीछे लिखा हुआ है। वैसे ये 3 पाव दूध यानी 750 ml या 3.5 कप के साथ आप इसको डिजॉल्व करके बनाती हैं। एनएक्स हमारे साथ है एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर वगैरह सब हम यूज़ करते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम क्या बनाने जा रहे हैं सबसे हम पहले बनाते हैं बिज़म मुत्तफ़िक का कस्टर्ड ताकि कस्टर्ड जब ठंडा होगा
तो फिर हम इसको सर्व करेंगे वो लास्ट वाले ब्रेक में। लेकिन अभी यहाँ पे है 3.5 कप दूध बॉयल हुआ हुआ, या टेट्रा पैक ले रही हैं डब्बे वाला तो उसमें से आपने 3 पाव लेना है, ठीक है, या 3.5 कप या 3 पाव दूध होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम आज यूज़ करें वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड, ये है वनीला फ्लेवर, क्योंकि इसमें हम रेड और ग्रीन चिली का कॉम्बिनेशन रखेंगे, तो वनीला मैंने कस्टर्ड लिया, ठीक है, वनीला ले लिया। और ये वनीला को हम खोलेंगे पूरा साशे, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसको हमने डिसॉल्व करना है पूरा पैकेट 3.5 कप दूध में, या 3 पाव दूध ले लें तो वही क्वांटिटी बन जाती है। हिते टे पा खीर खाओ थदो, लेकिन बॉयल थियल हुए तदे थदो हो, पैकेट वो होदे भी थदो हो, कच्चे खीर में ना विझे, ठीक है, कच्चे दूध में आपने नहीं डालना है, बस ये डाल के आपने 2-3 मिनट इसको यूँ डिसॉल्व करना है अच्छी तरह। उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे और ये कस्टर्ड को सिर्फ 4-5 मिनट में हमने पका लेना। देखिए कितना तरीक़ाकार ईजी है, कुछ भी नहीं करना, वरना हम क्या करते हैं दूसरे जो कस्टर्ड्स बना रहे होते हैं दूध बॉयल करते हैं, चीनी डालते हैं, उसके बाद हम अलग से दूध में कस्टर्ड को डिसॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं कि कितना गाढ़ा हो रहा है, 4 टेबल स्पून डालना है, 5 टेबल स्पून जाना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पूरा साशे आपने 3 पाव दूध में मिला देना है इस तरह, अच्छी तरह 2 मिनट मिलाएँ। अब इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर, बस ये 4-5 मिनट में हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होकर शाइनी क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकती हैं, कोई भी वेरिएशन कर सकती हैं, वरना आप सिर्फ सादा भी खाएंगे तो आपको बड़ा क्रीमी मिलेगा, ऐसे आइसक्रीम की तरह फ्लेवर आएगा, ठीक है। 3 फ्लेवर में दस्तियाब है, चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिज़म मुत्तफिक कस्टर्ड, पूरा पूरा साशे वो बिज़म मुत्तफिक, ठीक है, जो नालो है बिज़म मुत्तफिक, इन जो कस्टर्ड साशे वो टे पा खीर खड़ो मापे, या 3.5 कप खीर मापे खड़ो, खीर कच्चो ना हो, कच्चो हों तो उनके बॉयल कौ थदो कर मिलो कस्टर्ड, या पैकेट वो तद भी उन क्वांटिटी में खीर खड़ो, पूरा साशे तमें मिक्स कौ, मिक्स करे बस इनके 3-4 मिनट पचाईंदी, घाटो कस्टर्ड तैयार थी, अच्छी तरह आपने इसको चलाना है, लम्स नहीं बनने चाहिए, ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। तो इसको साइड में रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में जब ये ठंडा होने लगेगा आपने इसमें क्या करना है, विस्क चलाते रहना ताकि उसके ऊपर जो क्रीम की एक लेयर बन जाती है वो नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल क्रीमी होना चाहिए। बाद में हम इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड करें, आप इसमें जेलियाँ ऐड करें, आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाना चाहती हैं, आप इसको फ्रेश फ्रूट के साथ बनाना चाहती हैं वो आपकी मर्ज़ी, केक के पीसेस डालें, कस्टर्ड लबे शीरी बना सकती हैं इससे, आप फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं, ठीक है, मुझे बुधाएँ हो ना, ठीक है, इस तरह करके आप लोग ने करना है, ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हाँ इनमें बॉइलिंग अचान शुरू थी वी ती घाटो थो, ठीक है, मैं चूल्हो तेज़ के बाद बस मिक्स कंदा रहा ताकि एकड़ी जगह से ही जमे ना, जी इनमें बॉइलिंग इंदी वी तो इनके बस मिक्स करे पुलाई चंदो थदो कंदासी, थदे करण का पो बाद में इनमें असा पापा डूंगी पीठल आई जेली साई आई गाढ़ी जेली होने जो भी तरीको बुधाई चंदम के हुकी जमंदी है, ठीक है। ये देखिए साइडों से ये क्रीमी होना शुरू हो गया, मैंने चूल्हा तेज़ किया था, अब थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, बस 1-2 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, उसका टेक्स्चर आप देखेंगी। लेकिन दूध की क्वांटिटी से बिल्कुल परफेक्ट रखनी है आपने, दूध को ज़्यादा नहीं करना है ना ही कम करना है। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया, इसको कंसिस्टेंसी में दिखा देता हूँ, ऐसो एतरो ही घाटो थी वेजो खरे खारजो, ये देखें चूल्हा बंद कर दिया मैंने, एतरो घाटो थे उनका पे, ठीक है, कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 4-5 मिनट में तैयार हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये ठंडा होगा तो और ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं चूल्हे से, साइड में कर देते हैं ताकि ये ठंडा होता रहे, लास्ट में हम इसकी वेरिएशन करेंगे। अब आते हैं दम आलू, दम आलू के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे आलू 1/2 किलो या 1.5 पाव जो आपको पसंद हो, लेकिन 1/2 किलो से परफेक्ट बनेगी, और अगर कम मेम्बर हैं तो 1 पाव से भी कर सकते हैं, ठीक है। आलू काट के रखें, जैसे हम आलू गोश्त के लिए आलू काटते हैं मीडियम साइज़ के, 1 आलू के 4 टुकड़े करते हैं, बहुत बड़ा है तो 6 कर दें, बहुत छोटे आलू नहीं करने। पटाटा दरमियाने साइज़ जान तो 4 करे वो, वडा आई तो 6 करे वो, जी आलू गोश्त ठाईंदा आयो
उन साइज़ जहाँ आलू हुजण खपन। ठीक है, ये छिले इन तरीके से क्यूब्स में कटिंग थे। अब हम लेते हैं एक बड़ा सा बॉल जिसमें हमने इसकी मैरिनेशन बनानी है। आलू को मैरिनेट करेंगे पहले। ठीक है, पानी में इसलिए डिप करके रखे हुए क्योंकि काले ना पड़े। घर में तो हम क्या करते हैं, उसी वक्त छीलते हैं, काटते हैं और पका रहे होते, तो ये स्टूडियो में पहले से हर चीज़ प्रिपेयर करके रखी जाती है, तो इसलिए पानी में डिप कर देते हैं ताकि ये काले ना पड़े। ठीक है, ये आधा किलो हो गए आलू। अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। क्या क्या चीज़ें जाएंगी ये मैं आपको नोट कराता हूँ। सारे मसाले घर के हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़। ठीक है, इनमें चाविंदा सबसे पहले हम डालेंगे 2 अदद टमाटर। एक टमाटर के 8 पीस कर दें, 2 टमाटर थे, 2 अदद टमाटा, 1 टमाटे जा 8 पीस करे बैठो। ठीक है, 2 अदद टमाटर, 1 टमाटर के आपने 8 पीस कर देने। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक थूम जो पेस्ट खाने जो चम्मच। ठीक है, 8 अदद पीस करेंगे 2 टमाटर के, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर के 8 पीस करके डाल दिए। 1/2 किलो 1.5 पाव आलू हैं बड़े क्यूब्स में, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। अब इसमें हम मसाले क्या डालने वाले हैं ये आपने गौर से देखना है। ये है ज़ीरा, तवे के ऊपर भुना और कुटा हुआ, हल्का सा तवे पे भून के कूट लेंगी 1 चाय का चम्मच। सौंफ और ज़ीरा 1-1 चाय का चम्मच हैं, दोनों को मिक्स करके आपने तवे पे सेकना है, खुशबू आएगी, ठंडा करके कूट लेना है। भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ सौंफ 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम लेवल में अपने अंदाजे से रखेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई 1/2 टीस्पून, 1/2 चाय का चम्मच। ठीक है, कसूरी मेथी, खुश्क मेथी हाथ से मसल के इसमें आपने डालनी है 1 चाय का चम्मच, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटावा 1 चाय का चम्मच, सौंफ भुना कुटावा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच या थोड़ा लेवल में कम, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय के चम्मच से कम थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, कसूरी मेथी हाथ से मसल के आपने डालनी है 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद और लौंग 3 से 4 अदद। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। हाँ, मसाला चाविंदा अच्छो ज़ीरो, सौंफ ज़रूर विझो, अच्छो ज़ीरो ऐं सौंफ 1 चाय जो चमचो, अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, सौंफ तए जे मथा सेके थदो करे कुटे वठजो पाउडर वांगर, 1 चाय जो चमचो अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो सौंफ भुगल ऐं कुटियल। ठीक है, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो, धाणा पीठल 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, थोड़ो घटि लेवल में रखिजो, इलाही भरे न विझिजो। पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कारा मिर्च पीठल या कुटियल 1/2 चाय जो चमचे का थोड़ा घट, खुश्क मेथी जिनके कसूरी मेथी चबो या तो संतरंगी तरह भोरे यो 1 चाय जो चमचो, वडो फोटो 1, नंढा फोटा 2, लौंग 3/4। वरी बुधाया पियो, अच्छो ज़ीरो ऐं सौंफ 1-1 चाय जो चमचो तए जे मथां सेके कुटे विझो, कचो न विझो, तए में सेके विझंदो तो खुशबू ईंदी, 1 चाय जो चमचो अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो सौंफ भुगल ऐं कुटियल, कुटियल गाढ़ा मिर्च, लूण, धाणा पीठल, हेड ऐं पीठल गाढ़ा मिर्च, ये सब शयूं 1-1 चाय जो चमचो, कारा मिर्च 1/2 चाय जे चमचे का घट, कसूरी मेथी खुश्क मेथी जेका हूंदी आहे 1 चाय जो चमचो, वॾो फोटो 1, नंढा फोटा 2, ऐं लौंग 3/4। सारे मसाले डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कितना जाएगा इसमें, 1 से 1.5 खाने का चम्मच बस, 1 खा 1.5 खाने जो चमचो कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है आलू के अंदर अच्छी तरह आ जाए। और मसाला जब मैरिनेशन होती है तो मसाला फूलता है आलू के साथ, लगेगा फूल जाएगा थोड़ा मसाला और अच्छा फ्लेवर देगा, खुशबू भी आ जाएगी आलूओं के अंदर, टमाटरों के अंदर। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, चंगी तरह इनके मिक्स कंदो ऐं 1/2 कलाक रखंदो, इन तरीके से ही ठाए जो ताडी मज़ेदार रेसिपी ठहिंदी दम आलू। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ और इसको 10 मिनट के लिए, जब तक हम मसाला भूनेंगे इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ठीक है, दम आलू को, और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठाहियूं पिया, दम आलू जे लाइ जेके पटाटा हुआ ऐं मसाला हुआ, उन सभिनी खे मिक्स करे 10-15 मिंट तव्हां रखंदो। हुनजे बाद असां हिते दाग ठाहींदासीं, ठीकु आहे। पोलियो जो वरी ॿुधाईंदो हलां की पोलियो जी वैक्सीनेशन पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु करायो, छाकाणि त पाकिस्तान में ॿ शहर अहिड़ा आहिनि जिते पोलियो जी वधीक ही मसला हलनि पिया ॿारनि में। त 24 अक्टूबर खां वठी 28 अक्टूबर ताईं पोलियो जी हिकिड़ी पूरी मुहिम हले पई, जंहिंमें तव्हांजे ॿारनि खे हिकु ॼमण खां वठी 5 साल जे ॿारनि खे तव्हां वैक्सीनेशन करायो। तव्हांजे घरनि में अचनि पिया, एरिया में अचनि पिया, या जिते सेंटर लॻा पिया आहिनि, या किथे बि हिननि जी कैंपिंग थिए पई, हुते वञी पंहिंजे ॿारनि खे वैक्सीनेशन करायो। पोलियो जा कतरा ज़रूरु पीआरियो, ऐं अचनि था दर बंदि न कंदा कयो, वेलकम करे कराईंदा कयो, ऐं हिकिड़ो ॿियो कमु न कंदा कयो। हीअ सिंध में मां इलाही ॿुधियो आहे, छा कंदा आहिनि, चीच खे ॿारनि जे मार्कर हणी पोइ चवंदा आहिनि की असां पीआरे छॾियो आहे, छाकाणि त माज़ूरी खां पंहिंजे ॿारनि खे बचायो, उन्हनि जो मुस्तक़बिल रोशन रखो, छाकाणि त माज़ूरी ॾाढी ख़राबु शइ आहे, मोहताजी थी थी वञे। तव्हांजो मुस्तक़बिल तव्हांजे ॿारनि जे हथनि में आहे, त महिरबानी करे। ऐं अगरि तव्हांखे नथा मिलनि, न पिया अचनि, त 1166 ते हेल्पलाइन ते हिननि जी नंबर आहे, 1166 ते कॉल कंदो, पंहिंजो एरिया ॿुधायो, या वेझो को कैंपिंग आहे या सेंटर आहे तव्हांखे ॿुधाईंदा, हुते वञी ज़रूरु बाक़ाइदगी सां पीआरिजो, ठीकु आहे। अच्छा, हिते असां खणंदासीं कुकिंग ऑइल, केतिरो, 1/2 कप हिन में असां विधो हो 2 खंड जा चमचा। यहाँ पे हमने लिया था 2 टेबल स्पून ऑयल, और उसमें मैरिनेशन में 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पे हम लेंगे 1/2 कप या 6-7 टेबल स्पून, 1/2 कप या 6-7 खंड जा चमचा मापे, जीअं घर में पंहिंजे हिसाब सां तव्हां ऑयल इस्तेमालु कंदा आहियो उन तरीक़े सां हिन में ऑयल विझंदो। अच्छा, जेसिताईं ऑयल गरम थींदो, हिन में असां हिकु दाग ठाहींदासीं, ठीकु आहे। इहे बि सभु शयूं घर में मौजूदु हूंदियूं आहिनि, कहिड़ी शइ डिफ़िकल्ट न आहे जेका तव्हां वटि न हुजे, ठीकु आहे। ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नाहे जो आपके घर में मौजूदु न हो। तेज़ पत्ता 1 वॾो या 2, लौंगी मिर्च या सुकल ॻाढ़ा मिर्च, हे ॾिसो, कुझु ॻाढ़ा मिर्च सुकल हूंदा आहिनि अहिड़ा मिली वञनि, या लौंगी मिर्च आहिनि 5-6 अदद, सुकी लाल मिर्च 5-6 अदद, और ये है तेज़ पत्ता 2, 1 दालचीनी, जावित्री, जायफल के साथ जो जावित्री की पत्तियाँ होती ये 1 डालिएगा, अगर ये नहीं है तो इसको स्किप कर दें, ठीक है। लौंग 3-4 अदद, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, छोटी इलायची का थोड़ा मुँह खोल लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर निकल आए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखी लाल मिर्च या साबित लाल मिर्च 5-6 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 3-4, लौंग 4, जावित्री की जो पत्ती होती है वो 1, दालचीनी 1, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। दाग ठहे पियो, 6-7 खंड जा चमचा ऑयल, तेज़ पत्ता जेको गरम मसाले में हूंदा आहिनि उहो विझंदो 1, सुकल ॻाढ़ा मिर्च या लौंगी मिर्च तव्हां विझंदो 5-6 अदद, दालचीनी 1, ठीक आहे, मिठी काठी जंहिंखे चइबो आहे, लौंग 3-4 अदद, नंढा फोटा हिन में वेंदा 3-4 अदद, तोड़े विझिजो ताकी हुनजी खुशबू अचे। जायफल जावित्री हूंदी आहे, जावित्री जी पत्ती मिली वञे त 1, न आहे त हुनखे हटाए छॾिजो, 0 1 चांचो। सारा साबित गरम मसाला गया, साबित गरम मसाला डालने के बाद इसका हम बनाएंगे भगार, ठीक है। इसी के साथ हमने 2 अदद हरी मिर्चें लेनी है, उसको 20 से 2 कर दें तोड़ के, 2 अदद सावा मिर्च विच में तोड़े वठजो, 2 करे वठजो, ठीक है। साबित हरी मिर्च 2 ले लें और उसको भी तोड़ देंगे, ये बनेगा भगार, जिससे इसकी खुशबू आने लगेगी, कड़कड़ाहट सी होगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज 1 पाव के वज़न में होने चाहिए। अगर 1/2 किलो आलू है तो 1 पाव प्याज होना चाहिए, और अगर 1 पाव आलू है या 1.5 पाव है आलू है तो फिर 1/2 पाव प्याज होने चाहिए, यानी 2 प्याज। यहाँ पे 3 बड़े प्याज दिए हैं, बारीक हाफ स्लाइस कटिंग कर दी है। बसर 3 खणंदो, 1/2 किलो आहे तव्हां वटि पटाटा, त 1 पाव बसर खणिजो, ठीक आहे। ऐं अगरि 1/2 पाव पटाटा आहिनि त 1/2 पाव बसर खणिजो, या 2 दाणा बसर जा खणी वठिजो घणियूं, ऐं अगरि बसर अंदाज़े सां खणो पिया त 3 दरमियाने साइज़ जा थोरा वॾा खणिजो। जीअं ते दाग ठहींदो, मिर्चनि जो, ज़ीरे जो, गरम मसालो साबित, हिन में असां बसर विझंदासीं, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल देना है प्याज, प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी, दम आलू 1 प्याज बड़े पीस में आ गया तो इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये साथ साथ फ्राई होता रहेगा, प्याज का जैसे कलर चेंज होगा। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च क्या होता है, देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, फीकी लाल मिर्च भी कहते हैं, और पेपरिका पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। पैकेट में मिलता है पेपरिका पाउडर, लूज़ में मिलती है कश्मीरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, ये कलर इससे बहुत अच्छा आता है। ये अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें, अगर है तो ज़रूर डाला करें। अपने जब ग्रॉसरी करते हैं, राशन लेते हैं,
कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया करें 50 ग्राम 100 ग्राम इतनी 100 ग्राम या 50 ग्राम आपको एक दो महीना चल जाएगी, 3 महीने एक चाय का चम्मच डाला करें। उससे क्या होता है जो भी सालन आप बनाती हैं उसका कलर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च ये वठी रखंदा कयो जो मिले तो जिते तव्हांखे वठी रखो या शहर में कराची में हैदराबाद अचण वञण थिए थो त उतां घुराए रखो, छाकाणि त हिन खां भाॼी जो कलर निखरी अचे थो ॾाढो। बसर के थोड़ो गाढ़ो कंदासी, प्याज को लाइट सा गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, ठीक है। हल्दी पाउडर वहाँ भी डाला था लेकिन यहाँ भी जाएगा, इसको कलर देना है, ठीक है, मसाले को। तो यहाँ पे हमने डालनी है हल्दी पाउडर, जब आप देखेंगे प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गया, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चाय जो चम्मच कश्मीरी गाढ़ा मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा लेकिन इससे क्या होगा फ्लेवर अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसको बस प्याज को हल्का सा भूनेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगा क्योंकि जब हम हल्दी डालते हैं या मिर्चें डालते हैं तो वो थोड़ी जलना शुरू हो जाती है, कलर काला होना शुरू हो जाता है सालन का, तो उसको बचाने के लिए थोड़ा सा आपने पानी का छींटा दे देना, 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। प्याज भी नरम हो गया, फ्राई हो गया, अब क्या करेंगे मीडियम लो करके ये जो मैरिनेट किया हुआ आलू का मिक्सचर है ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, ये जो आलू जो मिक्सचर है पटाटन जो मैरिनेट करे रखे हो ये सब जो इनके अंदर हली वो, ठीक है, ये सारा इसके अंदर चला गया। इसको आप करेंगे मिक्स अच्छी तरह, चंगी तरह मिक्स कर दो। और ये जो हमारे पास प्याला है जिसमें आपने मसाला मैरिनेट किया था इसमें आपने 1/2 कप पानी डालना है, सिर्फ 1/2 कप, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1/2 कप पानी विझन दो। 1/2 कप पानी डालने के बाद ये सारा पानी इसमें मिक्स करें ताकि जो मसाला लगा हुआ है ये ज़ाया ना हो और ये मसाले वाला पानी सारा इसके अंदर आ जाए आलू में, ठीक है, इन तरीके से। अब क्या करेंगे इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, भूनते रहेंगे कवर करते रहेंगे, भूनते रहेंगे कवर करते रहेंगे जब तक आलू आपका गलना शुरू हो जाएगा, ये 20 मिनट का प्रोसेस होता है, ठीक है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है दम आलू, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अभी सीज़न आ रहा है, सर्दियाँ हैं, इस तरह की रेसिपीज़ हम बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और अब सर्दियों में इंशाल्लाह सूप्स हैं, हलवे हैं, साग हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, फ़िश की काफ़ी सारी वैरायटी है तो इंशाल्लाह वो भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मच्छी जी काफ़ी सारी रेसिपी आए, साग ठहंदा, सूप्स ठहंदा, हलवा ठहंदा, काफ़ी सारी शयूं ठाहींदासीं। अब ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे कवर करके जब तक हम आते हैं सेकेंड रेसिपी पे, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे, बहुत हल्की भी नहीं रखें, बहुत तेज़ भी नहीं रखें, इसको पकने दें, आलू गलता रहेगा, बीच बीच में भूनते रहेंगे, गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्चें आखिर में जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड रेसिपी के लिए हमने क्या किया था, वो मैंने कस्टर्ड वहाँ पे भेज दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, मैं ले आता हूँ। बिस्मुत्तफिक कस्टर्ड, 3 पाव दूध या 3.5 कप दूध, ठीक है, कच्चा दूध नहीं होना चाहिए, बॉयल है तब भी ठंडा हो या टेट्रा पैक लेंगी तब भी ठंडा होना चाहिए। ये देखें क्रीमी बन गया, ये दिखा देता हूँ कौन सा कस्टर्ड हमने यूज़ किया, ये यहाँ से एक साशे उठाते हैं, बिस्मुत्तफिक, ये एक बिस्मुत्तफिक वनीला कस्टर्ड है, पूरा साशे आपने डिसॉल्व करना है, पहले साइड में डाल के फिर चूल्हे पे रखना है, गर्म दूध में नहीं डालना है, ठंडे दूध में अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह मिलाएं, फिर आपने पकाना है 5 से 4 से 5 मिनट में ये इस तरह का क्रीमी बन जाएगा, फिर बीच बीच में स्पून चला चला के ठंडा कर दें। बिस्मुत्तफिक ये कस्टर्ड पाउडर है, बेहतरीन है, मार्केट में अवेलेबल है, इनके ठाला 750 ml यानी टे पा खीर या 1.5 टे कप खीर खणंदो, उनमें तव्हां छा कंदो इनके मिक्स कंदो थदे खीर में, कड़ियल खीर हुजण खपे, थदो हुजे, ठीक आहे, इलाही बर्फ़ वारो थदो न, नॉर्मल टेम्परेचर ते, या पैकेट वारो खीर खणी उनमें तव्हां मिक्स कंदो, 1 किलो खीर में पैकेट न विझिजो, मज़े जो कोन ठहंदो, 3 पाव खीर में 1 पैकेट, ठीक आहे। ये देखिए कस्टर्ड हमारा तयार हो गया, इसको रख देते हैं साइड में। जेली के पैकेट्स मिलते हैं, 1 कप पानी आपने बॉयल करना है, जेली का आपने पैकेट डाल के डिसॉल्व करना है और उतार देना है, इस तरह फैले हुए बर्तन में डालें और ये हमारी ज़बरदस्ती जेली तैयार हो जाती है 15 से 20 मिनट में। अब इसको हमने इस तरह कट्स लगा के क्यूब्स कर देंगे, क्रॉस कट्स लगाइंदो,
क्यूब्स ठही वेंदा और इनके हिकड़ी खाली प्लेट में कटी वठंदासीं। ठीक है, ग्रीन जेली, रेड जेली कॉम्बिनेशन करके डालें तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है, ये रेड जेली हो गई, ये क्यूब्स आ गए। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश आयो? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, तां बुधायो छा हाल आहिनि, तबियत ठीक आहे तव्हांजी? हा हा ना शुक्र आहे, ठीक आहे हाणे त। जी जी हा बेटा, ही सुठो पियो थिए, आलू सफ़ा डिफरेंट आलू ज़बरदस्त पिया लॻनि। ज़रूरु ट्राए कजो, ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आई आहे। हाँ बिल्कुल मज़ेदार पटाटा, असा वो नॉर्मल तो खाई इन जो तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ़ है, खाने में भी तक मुख्तलिफ़ लगंदा। ज़रूर ज़रूर ट्राई कजो। फिश ही मच्छी? हाँ हाँ फिश, हाँ हाँ ही बारन खादो, मुखे तो हिंसर परेज ही खादो, यो कौन खाई नहीं है। जी जी सही ठहियो, बिल्कुल मच्छी ठही ना, मसाला मच्छी। हाँ हाँ ये आधी सूची ठही ही बेटा, इलाही सूची। हेलो मेहरबानी। अच्छा ये कोफ्ता मथे हफ्ते ठाई दम ता दिस जो? ठीक है हाँ हाँ, कोफ्ता ठाए ना, बियो है ना बारन चे चिकन जा मटन जो कीमे जो पुलाव। वरी बुधाए जो कीमे जो पुलाव? ठीक है, मैं नोट करी तो वा मथे हफ्ते तो फिश जा कोफ्ता मच्छी जा ठाई दींदम, तो उन बाद पूरी ये भी ठाई वो। ठीक है, थैंक यू बेटा, मेरा ख्याल रखो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसका मसाला जो है भुनता जा रहा है, जो हाफ कप पानी डाला था ना उसी के साथ ये पक रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, एक्स्ट्रा पानी मैं इनमें कुछ भी ना विधो है। पटाटन जो कवर खड़ी मीडियम फ्लेम से, इलाही तेज़ ना हो, बस इन जहाँ टमाटा जो नरम थी वन उनके तुम मसले छो, विच में इनके भुन वरी कवर कौ, वरी भुन दम से रख, वरी कवर कौ, ही पंजी का टी मिंट में ताजी ज़बरदस्त दम आलू तैयार थी। ठीक है, दम आलू ये देखें मसाला बिल्कुल घुलता जा रहा है, प्याज टमाटर सब नरम होते जा रहे हैं, हल्का हल्का स्पून से दबाते जाएँ, इस तरह करके पाँच पाँच मिनट में, तीन तीन चार चार मिनट में खोल खोल के आप इसको बनाते जाइए। ठीक है, ये हो गया माई जेली। अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट होता है, जो ये होता है पिसावा नारियल, जिनके डूंगी चाहबो है पीठल डूंगी, टे खण जो चमचा, चार खण जो चमचा डूंगी खड़ी वरती। इतने आई अस पापा, पापे हैं, ठीक है, इसके हम कर देते हैं क्यूब्स, एक बॉल ले लेते हैं, पापे जो हम चाय के साथ खाते हैं, ये तोड़ लें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। आप चाहें तो केक भी डाल सकती हैं, लेकिन पापों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये कस्टर्ड में डालें तो उससे लोग नहीं पता होता या केक्स डालते हैं तो वो महंगा भी पड़ता है, तो इसलिए इजी चीज़ें बताता हूँ ताकि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। केक हम लेते हैं तो 100-150 का जाके पड़ता है, नॉर्मल केक ना टी केक, तो पापे सस्ते पड़ जाते हैं तो पापे ले लें। ठीक है, पंज दाणा छः दाणा पापा ये खड़ी वठा, फ़िलहाल इतना ही खड़ूँ था, ये हो गया। अब इसकी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, फ्रेश क्रीम लेंगे साथ, फ्रेश क्रीम खड़ा सी क्रीम के मां कवर के यहाँ पर छाकड़ा था, ब्रांड जो करे अलाउ ना होंद है कि क्रीम जो पैकेट, बाकी तुम्हें खबर है फ्रेश क्रीम जो पैकेट्स तो मिलता है, ये फ्रेश क्रीम भी इतने रखी था। चलो अब वे प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से करें, मैं ग्लास में कर रहा हूँ, आप बॉल में भी कर सकते हैं क्रिस्टल के। ठीक है, मां ग्लास में क्या पो तुम बॉल क्रिस्टल जो खड़ी वो इनमें असा विजासी पापा हेठ थोड़ा थोड़ा, आधा पापे से थोड़ा ऊपर डाल दिया बेस में इसके। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा लेयर्स बना बना के हमने इसे सर्व करना है। ठीक है, चूल्हा तेज़ नहीं होना चाहिए ताकि आलू आपके जले ना। कस्टर्ड डाल दिया, आधे कप जितना कस्टर्ड भी दो, मैं हाथ रोका पे होते हैं। ठीक है, ब्रेक जो टाइम थे वो हाथ रोक रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई ज़बरदस्त क़िस्म जा असांजे हिते कस्टर्ड ठाहे पिया, जेको बिज़ मुतफ़िक़ जो कस्टर्ड आहे, हुनखे जेली पापा क्रीम ऐं हुन सां गॾु डूंगी इस्तेमालु कयो पिया। ठीक है, जो हम बिज़ मुतफ़िक़ का कस्टर्ड बना रहे हैं वनीला,
आप इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं। मैं जेली के साथ सिंपल बना रहा हूँ। पापे डाले पहले, थोड़े से कस्टर्ड डाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिसा हुआ नारियल ले लेंगे, ये एक चाय का चम्मच, यहाँ पे एक चाय का चम्मच। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्लास में ही सर्व करें, आप अगर बड़े बॉल में बना रही हैं, पापे डाल दें आधे, फिर कस्टर्ड डाल दें, फिर कोकोनट डाल दें पिसा हुआ, फिर उसके बाद जेलियाँ वगैरह, वो अपने हिसाब से आपने वेरिएशन करनी, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेली डालेंगे ग्रीन कलर की, चार चार छः छः पीसेस, रेड कलर, गाढ़ी जेली, साई जेली, ठीक है, रेड जेली, ग्रीन जेली। और जेली फौरन बन जाती है, कोई इसका मुश्किल डिफ़िकल्ट काम नहीं होता, पैकेट के पीछे तरीके काम लिखा होता है। बस ये ख्याल किया करें, जब जेली आप जमा रहे होते हैं तो जो पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कम किया करें, उसके हिसाब से एक कप लिया करें। लोग क्या करते हैं, एक एक गिलास पानी में भी जेली जमाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्यूब्स अच्छे नहीं कटते उसके ना, फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। इस तरह ग्रीन जेली, रेड जेली, ये डाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश क्रीम। दो दो खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दी। ये इसी तरह आप बॉल में भी बना सकती हैं, इसी के लेयर्स दे देंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद दोबारा हम डालेंगे पापों के पीसेज। ये पापे नरम हो जाएंगे जब इसमें जाएंगे ना, ऊपर से कस्टर्ड वगैरह आ जाएगा, तो ये परेशान ना हो, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पापन जा पीसेस जो क्या है, ये बिल्कुल केक वांगर थी विंदा, ये केक की तरह हो जाते हैं सॉफ्ट होके। इसमें परेशानी की बात नहीं कि पापा है तो ये ड्राई होगा तो ये खाएंगे कैसी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा जब इसमें क्रीम्स वगैरह हर चीज़, जैसे चाय में नरम हो जाता है, तो इसी तरह ये सॉफ्ट आपको टेक्सचर देगा खाने में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम फिर इसमें डालेंगे कस्टर्ड वनीला फ्लेवर में। पापों के ऊपर कस्टर्ड इसलिए डाल रहा हूँ ताकि पापे जो हैं नरम हो जाएं, ठीक है। पापन जे मथा कस्टर्ड हिन करे विझूं पिया ताकि पापा नरम थी वञनि। इसके बाद फिर हम लेंगे जेली, ग्रीन जेली ले ली, रेड जेली ले ली, ठीक है, जेली भी इन कलर्स, ट्रे कलर्स भी उसके। इसी तरह आप अंगूर है, अनार है, ठीक है, सेब है, केले हैं, ये मिक्स करके, आड़ू तो अब नहीं है वो ले सकती हैं, चीकू, जो नरम फ्रूट है, पानी वाला फ्रूट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसमें फ्रूट्स भी यूज़ कर सकती हैं, थोड़े थोड़े डाल के, एक कप जितना फ्रूट ले लें मिक्स, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त कलरफुल हमारी हो गई है इस मुत्तफिक का कस्टर्ड तैयार, क्योंकि जेली हमने कलरफुल डाली है इसमें, ग्रीन, रेड, इस तरह के कलर्स में। आखिर में हम टॉपिंग करेंगे कोकोनट, ठीक है, तैयार। आखिर में हमने डालनी है फ्रेश क्रीम ऊपर से, थोड़ी सी टॉपिंग करके, ठीक है, इस तरह, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। इसके बाद आखिर में हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, पिसा हुआ नारियल, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ठीक है। पीठल डूंगी थोड़ी थोड़ी, अदद चाय जो चमचे के जितनी मथा का, और थोड़ा सा ब्राउन शेड देने के लिए पापे के पीसेस थोड़े इसके ऊपर रख देते हैं, देखिए इस तरह करके, बस थोड़े से दो तीन, एक एक पीस इसके ऊपर रखें, इससे क्या होगा, खूबसूरती आ जाती है, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है, बस लाइट सा। अभी भी इसमें एक कप जितना, एक सर्विंग का कस्टर्ड बचा हुआ है, ठीक है। तो 4% की, 5% की सर्विंग होती है, 6% भी खा लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह डालेंगी तो उस हिसाब से फिर ये ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई रेसिपी कंप्लीट, कस्टर्ड बिज़ मुत्तफिक। अब आते हैं सालन पे, सालन चेक करते हैं, दम आलू, आलू को चेक करेंगे। आलू जब तैयार हो गया, बस हरा धनिया और हरी मिर्च एक दो काट के डालेंगे, और उसके साथ गरम मसाला पाउडर, इसको चेक करते हैं। बीच बीच में भुनाई करते रहें, ठीक है, बीच बीच में भुनाई करते रहेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि ये दम आलू है, इसमें पानी नहीं जाएगा, इसी तरह बनेगा, ठीक है। इन्हीं तरीके से ठान दो,
भुनाई करनी है विच विच में ढक खोली पंज पंज मिंट में चार चार मिंट में तक भुनंदा वो हाँ पटाटो खाओ आलू उठाया और छुरी की नोक से आपने इस तरह आलू चेक करना ये देखें आलू गल गया बिल्कुल आलू गला होना चाहिए अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए कच्चा नहीं होना चाहिए ठीक है पटाटो गरी हुआ तुम सामूँ माँ बिल्कुल एक चेक किया देखें बिल्कुल गल गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच पीठल गरम मसालो आधे चाय के चम्मचों दो मिनट इसको भूनेंगे भुनाई से क्या होगा इसका जो मसाला है वो और अच्छा मिक्स हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है ज़रूर आपने ट्राई करनी है हरी मिर्च हरा धनिया थोड़ा चॉप कर लेते हैं यहीं पीछे दो खाने के चम्मच हरा धनिया आपने इसमें चॉप करके डालना है दो से तीन खाने के चम्मच ठीक है सावा धाणा बारीक कटिंग करे आखिर में मथा विछल दो बखण जो चमचा बस इनके भुजन दो ब मिनट ताई ये बिल्कुल तैयार थी दम आलू है दम से ठो लौंगी मिर्च जो दाग आयो तो उनमें ढो सुठो में फ्लेवर अची वो ठीक है लाल मिर्च का भगार जो बना उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया एक दो हरी मिर्च ऊपर से चॉप करके आपने डाल देनी है आखिर में हरी मिर्च फ्रेश होती है तो उसकी खुशबू आती बहुत ज़्यादा नहीं आखिर में पकानी नहीं है हरी मिर्च अगर आपने डाल के दम पे रखी काट के या आपने पकाई तो फिर क्या होगा कि हरी मिर्च आपकी फ्लेवर देगी उसमें ठीक है जलने का उसका सॉरी स्पाइसी फ्लेवर आएगा वो नहीं होना चाहिए इसको दम आलू को एक दफ़ा मिक्स करेंगे गरम मसाला हरा धनिया सब हो गया अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे रेसिपी मैंने दो तीन दफ़ा रिपीट करा दी है कोई चीज़ समझ ना रही हो तो सुबह आप लोग देख सकते हैं रिपीट में 9 बजे ठीक है बिल्कुल आसान डाढ़ी ज़बरदस्त डाढ़ी जायकेदार ही रेसिपी है ठीक है बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही फ्लेवर वाइज दम आलू इसको सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको आप नान के साथ भी खा सकते हैं ये देखिए साबित लाल मिर्चें इसमें नज़र आ रही हैं इस तरह इसको सेट करें है ये इंडियन टच की रेसिपी ठीक है वेजिटेरियन फैमिलीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त है और इसके बाद इसको हम रखते हैं एक प्लेट पर ठीक है बिल्कुल इजी रेसिपी है अब नेक्स्ट वीक हम बनाएंगे फ़िश के कोफ्ते फरमाइश भी आई हुई थी फ़िश के कोफ्ते बनाएंगे और दो तीन रेसिपीज़ हैं मीठे बनाएंगे इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ कंप्लीट करते रहेंगे फिर सर्दियां आ रही हैं नवंबर में मिड ऑफ नवंबर फिर सूप्स वगैरह स्टार्ट कर लेंगे और जो हमने कस्टर्ड बनाया है बिज़ मुत्तफिक का ये भी साथ रखते हैं बॉक्स ताकि आप लोग देखें कि हमने इसके साथ कौन सी कंपनी के कस्टर्ड यूज़ किए हैं ये है बिज़ मुत्तफिक कस्टर्ड ठीक है आए है मसाको जो चिकन पाउडर ठीक है ये कल रिपीट चलेगा कितो टाइम है सामान ठीक है कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें जिनके एरिया में केबल पे सिंध टीवी नहीं आ रहा तो आप 03142675311 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 03142675311 पे मैसेज करके वॉइस मैसेज करें मैसेज करें मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है कॉल ना किया करें बस मैसेज करें वॉइस मैसेज करें आप बताएं कि आपके एरिया में आ रहा है सिंध टीवी या नहीं आ रहा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीक फिश के कोफ्ते बनाएंगे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह बनाएंगे दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह सुबाने 9 बजे रिपीट हलो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर असो कुकिंग चैनल है यूट्यूब से तमाम रेसिपीज उत्तर अपलोड थी पाँच खोड़ सारा ख्याल रखो दुआओं में याद रखो अगर तुझे एरिए में केबल से न पे अचे सिंध टीवी तो प्लीज़ कॉल करें सॉरी मैसेज कजो 03142675311 मुझे व्हाट्सअप नंबर है उनते मैसेज कौ उतने तक सजी डिटेल कें शे जी खपे तो वो भी मैं ढेर मुख्य ही बुधा जो कि तुझे एरिया में अचे पे न पे अचे पाया खोड़ सारा ख्याल रखो मच्छी या कोफ्ता बी भी मज़ेदार रेसिपीज मथे हफ्ते इंशाल्लाह ठाईंदी दुआओं में रखने अल्लाह हाफिज़
हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो डिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो।